कृषि में सिंचाई जल का कुशल उपयोग। भाग दो। कृषि में पानी की मांग को दो तरह से घटाया जा सकता है। एक तो हम ऐसी फसलें लगाएं जिसकी सिंचाई में पानी की कम जरूरत हो, और दूसरा ये कि हम खेतों में पानी के न्यूनतम उपयोग करने वाली तकनीकों को अपनाएं। सिंचाई के चैनलों के रास्ते और बेकार चले जाने वाले पानी को रोकने की तकनीकों में शामिल है भूमि के नीचे आरसीसी पाइपों और पक्की सिंचाई चैनलों का बनाना, फसलें ऐसे मौसमों के हिसाब से लगाना जिनमें पौधों से कम वाष्पीकरण हो, इससे सिंचाई में लगने वाली पानी की जरूरत घटेगी और पानी के उपयोग का प्रबंधन कुशल होगा। जिन क्षेत्रों में धान या गेहूं की फसल बहुत ज़्यादा इलाके में हम उगा रहे हैं, वहाँ पानी की सतह बहुत तेज़ी से नीचे जा रही है। उस तेज़ी की सतह, पानी की तेज़ी से जाने की सतह को रोकने के लिए एक ही तरीका है, क्योंकि ये क्रॉप को दूसरी क्रॉप से बदलाव किया जाए। धान की रोपाई 10 से 30 जून में करने से पंजाब में हर वर्ष 3 लाख हेक्टेयर पानी की बचत की जा सकती है, जिससे हर वर्ष भूमि के अंदर गिरते जल स्तर को 30 सेंटीमीटर तक रोका जा सकता है। इसके अलावा धान की जल्दी रोपाई करने से उसमें कीड़े लगने का अंदेशा बढ़ जाता है। अच्छे सिंचाई प्रबंधन से धान में 8 बार कम सिंचाई करनी पड़ती है। धान की कटाई से 2 हफ्ते पहले फसल में पानी कम देना चाहिए। इसी तरह गेहूं की सिंचाई भी मौसम पर आधारित होनी चाहिए।